सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी जे फोर 2018 के बारे में। तो कल सैमसंग गैलेक्सी जे फोर 2018 के कुछ लीक्स निकल के सामने आ रहे, जो कि गीकवेज में लीक निकल के सामने आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बताया जा रहा है कि इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो के साथ ही ये फ़ोन आएगा, और इसमें आपको जो चिपसेट मिलेगा वो मिलेगा एग्जीनोस का 7570 का चिपसेट। अगर मैं बात करूँ तो ये चिपसेट आपको सैमसंग के जे फाइव प्राइम में भी देखने को मिल जाएगा। ये चिपसेट आपको सैमसंग गैलेक्सी जे फोर 2018 में भी शायद देखने को मिल जाए। बताया जा रहा है कि 2 GB की रैम मिलेगी और 32 GB की या फिर 16 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। कैमरा कितना मेगापिक्सल का होगा या फिर बैटरी कितना मेगापिक्सल का होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि लीक होकर कुछ नहीं आया, बस गीक बेंच में यही निकल के सामने आ रहा है कि इस फोन में आपको एंड्रॉयड ऑडियो के साथ ही ये फ़ोन आने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन 2 GB का रैम मुझे ठीक नहीं लग रहा, एटलीस्ट 3 GB का रैम हमें देना चाहिए था। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको मिल जाएगा 7570 का चिपसेट, मतलब एग्जीनोस का 7570, जो कि आपको जे फाइव प्राइम में भी देखने को मिलता है। तो सैमसंग कुछ नया नहीं कर रहा है, पुराने स्मार्टफोन्स को ही एक नया नाम से लॉन्च कर देगा, वही है, कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से पता नहीं ये फ़ोन मार्केट में डिजर्व भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी मार्केट में उससे अच्छे प्राइस में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जा रहे हैं। तो सैमसंग पता नहीं क्यों ये पुराने स्मार्टफोन ही लॉन्च कर रहा है, एटलीस्ट हमें कुछ नया ट्राई करने के लिए दे, एटलीस्ट हमें नया चिपसेट दे तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन पुराना ही चिपसेट लेके बार बार सैमसंग आ रहा है, तो ऐसे कब तक चलेगा? आप मुझे अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सैमसंग के 2018 में, कि आपको सैमसंग के जे सीरीज़ में 2018 में क्या नया देखने को मिल जाए। अभी तक तो जहाँ तक लीक निकल के सामने आ रही है, आपको शायद कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसमें मिल जाएगा एग्जीनोस का 7570 का चिप, 2 GB का रैम मिलेगा, शायद 32 GB या फिर 16 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और एंड्रॉयड ओरियो के साथ आएगा। तो अब एक एंड्रॉयड ओरियो के लिए हम पूरा फ़ोन तो बाय नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट कुछ नया, एटलीस्ट हमें डुअल कैमरा, इन्फिनिटी डिस्प्ले, इस टाइप का फ़ोन अगर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखते हैं क्या होता है, ये तो अभी बस एक गीक बेंच में लीक निकल के सामने आ रही है, अभी बहुत सारे लीक्स निकलना बहुत मतलब बाकी है। और बताया जा रहा है कि ये J3 2017 का सक्सेसर है। तो इस बार सैमसंग बहुत ज़्यादा नाम चेंज करने वाला है, लेकिन J3 बहुत ज़्यादा हो गया था। आप लोगों को याद ही होगा कि J3 2015 में भी लॉन्च किया गया था, 2016 में भी J3 2016, J3 प्रो आया था, 2017 में भी J3 2017 आया था। तो नाम बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक नया नाम ठीक है, J4 नया नाम है, तो आपको कन्फ्यूजन भी जल्दी नहीं होगा। तो सैमसंग इस बार नया नाम देने वाला है, क्योंकि अभी J3 टॉप आएगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक दिखाया था कि सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन का लिस्ट निकल के सामने आया था, उसमें भी आपको ये स्मार्टफोन का नाम था जो कि J4 था और J6 था। तो J6 के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन J4 के बारे में लेटेस्ट लीक निकल के सामने आ रही है। देखते हैं क्या होता है, आपको फ्यूचर में अपडेट, अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।